अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फैज मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामिक दुनिया। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बैल का जो आइकन है उसको दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको माह रजब के आखिरी दिनों के हवाले से एक तजवी का अमल बताने जा रहे हैं जिसको करने से आपके घर में इतना रिज़क और दौलत आना शुरू हो जाएगी कि सब रिश्तेदार दोस्त गली मोहल्ले वाले हैरान रह जाएंगे और एक दूसरे से पूछते रह जाएंगे कि इनके घर इतना पैसा इतनी दौलत कहाँ से आ गई। ये अमल आपने रजब का महीना ख़त्म होने से पहले पहले एक तस्बीह का अमल कर लेना है। इंशाल्लाह आपके घर में दौलत ही दौलत आना शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन वाले बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका तजुर्बा होगा और ये बात बिल्कुल दुरुस्त भी होगी, जब रिज़क आता है तो अपने साथ खुशियाँ भी लाता है। घर में रिज़क की बरकत से घर वालों के चेहरों पर सुकून और इत्मीनान नज़र आता है। घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उनकी परेशानी ख़त्म हो जाती है। अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ रोज़ी का मसला हो और ना ही किसी को अल्लाह पाक बेरोज़गार रखे। अगर किसी के साथ इस तरह का कोई भी मसला हो तो ऐसी सूरत हाल में इंसान को अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। नाज़रीन, वो अल्लाह ताला सुबह भूखा ज़रूर उठाता है मगर रात के वक्त भूखा सुलाता नहीं। आपने देखा होगा कंपनियों और कारखानों की तादाद रोज़ बर रोज़ बढ़ती जा रही है। सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियाँ, रिहायशी के उम्दा मकान, टेक्नोलॉजी की कसरत में तसव्वुर से ज़्यादा इजाफा कर दिया है। इंसानी ज़िंदगी के ऐश और आराम और अरमानों की तकमील की नई नई राहें खुलती जा रही हैं। इसी तरक्की का नतीजा है कि कल तक जिसे साइकिल भी मैसर नहीं थी आज वो कीमती गाड़ियों पर चल रहा है। झोंपड़ी में ज़िंदगी बसर करने वाले आज आलीशान इमारतों में सो रहे हैं। जो कल तक एक एक पैसे के मोहताज थे वो आज करोड़ों के मालिक हैं। उनका पूरा घर मालो दौलत से भरा हुआ है। लेकिन उन सब के बावजूद, इतनी दौलत के बावजूद, इतना पैसा होने के बावजूद आज भी लोग ज़्यादा परेशानी और मायूसी में नज़र आते हैं। रूहानी और कल्बी सुकून किसी को हासिल नहीं है। इतनी इतनी दौलत रखते हैं, इतने इतने बड़े घर रखते हैं, गाड़ियाँ रखते हैं, लेकिन कल्बी सुकून किसी को भी हासिल नहीं। आप किसी को सुकून में देख ही नहीं सकते। हर एक की ज़ुबान पर मालो दौलत में बेबरकती का शिकवा ही है। कोई मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है तो कोई घरेलू और ख़ानदानी एक तलाफात और दुश्मनी के सबक नहायत परेशानियों में मुब्तला है। नाजायज़ मुकदमात ने किसी को थका दिया है तो कोई अपनी बीवी और औलाद की नाफरमानियों से लाचार है। कोई बीमारी में मुब्तला है तो कोई अपने कारोबार की वजह से परेशान है। दरअसल लोगों ने आज सुकून और राहत अहदों और पैसों में तलाश करना शुरू कर दिया है। मालो दौलत की कसरत ने बंदों का रिश्ता रब से तोड़ दिया है और जब इंसान सुकून और राहत और इत्मीनान अहदों और पैसों में तलाश करना शुरू कर दे तो फिर वो सारी उम्र के लिए बेसुकून ही रहता है। वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले उसे कभी सुकून मैसर नहीं हो सकता। दोस्तों, वो इंसान आखिरत को भूलकर दुनिया और दुनिया के असबाबों व साहिल को जमा करने में लगा पड़ा है। कब्रों को रोशन करने के बजाय दुनियावी घरों को आलीशान बनाने और उनकी फिक्र में मगन हो गया है। वो ये भूल चुका है कि मौत उसका इंतज़ार कर रही है, मौत उसके पीछे आ रही है, उसका एक एक दिन गुजरता चला जा रहा है। लेकिन वो सिर्फ इसी आस में बैठा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दौलत हासिल कर दे, बड़े से बड़े घर, बंगले, गाड़ियाँ खरीद ले ताकि वो अपने रिश्तेदारों में, अपने अजीज़ों में दिखा सके कि मेरे पास बहुत दौलत है और अल्लाह ने मुझे बहुत ज़्यादा दौलत से नवाजा है। लेकिन दोस्तों, हमेशा याद रखें कि ऐसे लोगों की ज़िंदगी को अगर आप देखना चाहें और समझना चाहें तो नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि वो हमें बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में फिरते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी दौलत कमाते हैं, बजाय हमें ऐसा ही लगता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, ये तो जन्नत में रह रहे हैं, इनकी ज़िंदगी तो जन्नतियों जैसी ज़िंदगी है। लेकिन अगर आप उनकी अंदरूनी कैफियत को देखें
तो आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि वो किस परेशानी में रहते हैं और हर वक्त बेसुकूनी महसूस करते हैं। उनकी ज़िंदगी में बिल्कुल भी सुकून नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इसलिए अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें सिर्फ इतना रिज़्क अता फरमाए, इतनी दौलत अता फरमाए जिससे हमारा सुकून बर्बाद ना हो, हम सुकून में भी रहें, इत्मीनान में भी रहें और अल्लाह पाक हमें रिज़्क भी अता करता रहे। तो आज इसी हवाले से आपको बताने जा रहे हैं कि जो इंसान रिज़्क की तंगी का शिकार हो और वो चाहता हो कि रिज़्क में बेपनाह इजाफा हो जाए और वो बेहद धनी हो जाए, उसके पास दौलत आनी शुरू हो जाए, अमीर हो जाए, तो उसको चाहिए कि रिज़्क के इन आखिरी दिनों में जो ये दिन गुजर रहे हैं, इन आखिरी दिनों में जो रिज़्क का महीना ख़त्म होने से पहले ये दुरूद पाक पढ़ ले जो आपको आगे बताने जा रहे हैं, और फिर अल्लाह पाक से दुआ भी करे, इंशाल्लाह रिज़्क की तंगी का खात्मा होगा और रिज़्क में बेपनाह इजाफा होगा। याद रहे, जो इंसान रिज़्क की तंगी का शिकार हो और वो चाहता हो कि बेहद मालदार हो जाए, बेहद दौलतमंद हो जाए, तो सच्चे दिल से अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा रखकर आपने एक तस्बीह पढ़नी है और उस तस्बीह में आपने दुरूद ताज पढ़ना है। दुरूद ताज बहुत ही मशहूर है, आप लोगों को पता भी होगा इस दुरूद के बारे में। एक तस्बीह आपने दुरूद ताज की पढ़नी है। तस्बीह आप कोई भी ले लें, जो भी आपके घर में हो, एक तस्बीह दुरूद ताज की पढ़ लें। रजब के आखिरी दिनों में इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से रिजक की तंगी दूर हो जाएगी और अल्लाह ताला इतनी दौलत से नवाज देगा कि आपके रिश्तेदार और दोस्त सब हैरान रह जाएंगे और पूछेंगे कि इन साहिब के पास इतनी दौलत और इतना रिजक कहाँ से आ गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपको भी दौलत से नवाज दे तो ये अमल ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि आप लोगों के साथ साथ दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हासिल हो सके। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, 5 वक्त की नमाज़ पढ़िए। अल्लाह हाफिज़।